हेलो गाइस, नमस्ते। आज मैं आप लोग के लिए अचार का रेसिपी लाई हूँ। मिक्स अचार बनाऊँगी, देखिए बहुत ही मज़ेदार अचार बन रहा है ये। तो आप लोग को यही शेयर कर रही हूँ, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चले स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने थोड़ी मटर ली हूँ, हरा मटर, और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। और साथ में ले लिया है ये हरा मिर्चा है थोड़ी, और ये गाजर है तीन, तो इसे मैंने काट के रेडी कर लिया है। और अब मैं मटर को थोड़ी टाइम बॉईल करूँगी, 5 मिनट। तो पानी मैंने डाल दिया है बॉईल करने के लिए, और अब इसमें मैं थोड़ी डालूँगी चीनी। तो चीनी से मटर का कलर चेंज नहीं होगा, हरे ही रहेगा बॉईल होने से भी, तो इसीलिए मैंने चीनी डाल दिया। और अब इसे मैं उबाल आने देती हूँ अच्छे से, 5 मिनट मैं बॉईल करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। देखिए 5 मिनट हो चुका है, अच्छे से बॉईल हो गया है मटर। देखिए कितना अच्छा बॉईल हो चुका है, हरा ही है मटर का कलर, देखिए कलर चेंज नहीं हुआ है। तो अब इसे मैं निकाल लूँगी, पूरा पानी छान के निकालूँगी। देखिए मटर का कलर कितना हरा हरे है, तो कलर चेंज होता नहीं है शुगर डालने से। तो मैंने मटर सारा निकाल लिया है। अब मटर को मैं एक थाली में फैला रही हूँ, देखिए मैंने थाली में फैला दिया है। और अब इसे मैं 1 आवर्स धूप में दूंगी, मटर और ये गाजर मिर्ची सभी को। अगर धूप नहीं है तो आप लोग फैन में भी इसे सुखा सकते हो, इसका सिर्फ पानी सूख जाना चाहिए, सूखा होना चाहिए। तो मैं धूप में दे रही हूँ, देखिए 1 आवर्स। अब 1 आवर्स हो चुका है, देखिए मटर भी सूख चुका है अच्छे से, और गाजर भी अच्छे से ड्राई हो चुका है, पानी नहीं है, बिल्कुल सूख चुका है। अब इसे बनाऊंगी। देखिए बनाने के लिए मैंने यहाँ में ऑयल गरम करके रखी हूँ, ये ऑयल गरम ऑयल है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 5 जीरा और कलौंजी। तो गरम ऑयल में डाल दिया इसे, तो अब बनाऊंगी। देखिए ये सारा एक साथ मिक्स कर दिया है मैंने बढ़िया से, देखिए कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है मिक्स तीनों का। तो अब इसमें मैं गरम गरम ऑयल डालूंगी, थोड़ी थोड़ी करके गरम ऑयल डालूंगी मैं, और इसे मिक्स करूंगी गरम ऑयल डाल के। देखिए मैंने डाल रही हूँ गरम ऑयल और इसे धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और ये झटपट बन जाता है, आप 2-3 दिन में इसे खा सकते हो। तो और अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी और नमक डालूँगी, नमक थोड़ी ज़्यादा ली हूँ, देखिए 2 चम्मच नमक ली हूँ और हल्दी ली हूँ। तो और अब डालूँगी ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर के लिए मैंने इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, और इसे मैं अच्छे से मिला रही हूँ पहले। और देखिए अच्छे से ये मिल रहा है। और अब मैं डालूँगी इसमें आमचूर पाउडर, देखिए इस चम्मच का 1 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है, इसे भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, तीखी चटपटी होता है ये अचार खाने में, और बहुत मज़ा आता है ये अचार खाने में, और झटपट बन भी जाता है। तो और इसमें मैंने अभी और फिर ऑयल मिला दिया है। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, देखिए ये अचार मसाला है, मार्केट में मिलता है, तो मैंने मार्केट से लेके आई हूँ अचार मसाला, तो इसे ही डालूँगी मैं आज इस अचार में। तो ये देखिए ये बड़े चम्मच का 1 चम्मच डाला अभी मैंने, और इसे मिला रही हूँ, और जितना चाहिए उस हिसाब से मैं डालूँगी। देखिए अच्छे से मैं इसे चला के मिला दिया है, और डालूँगी थोड़ी मैं अचार का मसाला, देखिए 2 चम्मच मैंने अचार का मसाला डाल दिया है। देखिए बढ़िया से मसाला मिला रही हूँ इसमें, और इतना ही काफ़ी होगा मसाले अचार का मसाले। देखिए बढ़िया से मसाले में मिल चुका है,
ऑयल भी मैं डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। और अब मैं डालूँगी इसमें हींग, हींग डालूँगी, देखिए हाफ चम्मच हींग है, देखिए हींग डाल दिया मैंने इसमें। और इसे भी मिला लूँगी अच्छे से, बढ़िया से मिला लेती हूँ। देखिए अच्छे से मैंने मिला लिया है सारे मसाले को, नमक हल्दी सभी को। और अब इसमें मैं ये अचार ख़राब नहीं होने के लिए मैं डाल रही हूँ विनीगर, वाइट विनीगर है, देखिए एक चम्मच डाल दिया इस छोटे इस चम्मच का, और थोड़ी डालूँगी, देखिए मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है वाइट विनीगर। इससे अचार ख़राब नहीं होता है, अब लॉन्ग लास्टिंग होता है अचार का, तो इसे मैं अच्छे से मिला रही हूँ। देखिए अच्छे से मैंने मिला दिया है सारे मसाले, हींग विनीगर सभी को। अब ये इस डब्बे में मैं भर के रखूँगी इस अचार को। अगर आप लोग का पास कांच का है तो कांच का डब्बे में भरा के रखिए। देखिए एक कोयला है, कोयला को मैंने जला लिया है और उसमें हींग डाल के इस डब्बे में मैं डब्बे से ढक रही हूँ। डब्बे में मैं सारा धुआँ घुसने देती हूँ, देखिए डब्बे में सारा धुआँ है। अभी पटापट इसमें मैं अचार को डाल देती हूँ, तो अचार का फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा और इसका खुशबू भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैंने इस तरीके से धुएँ को, हींग का धुएँ को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब मैं सारे भर लूँगी इस तरीके से इस डब्बे में, देखिए मैंने भर लिया है। और थोड़ी थोड़ी ऑयल है तो वो ऑयल भी इसी में मैं डाल दूँगी। आप लोग को कैसा लगा मेरा ये अचार का रेसिपी? अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और आप लोग को पसंद आया है तो एक बार आप लोग भी इस तरीके से बनाने के लिए कुछ ट्राई कीजिएगा। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज में कोई देख रहा है तो फॉलो करना ना भूले। और भी आगे आगे अच्छे अच्छे रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।